हेलो बच्चों, मैं राजेश जांगिड़। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के अंदर काफी कुछ पढ़ा है। आपने देखा था इसके अंदर हाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ नॉट कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर से लेकर के चिंक तक जो 10 इलेक्ट्रॉन n-1d शेल में जाते हैं, इसमें n-1d शेल जिसे कि हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, उसमें जाते हैं, तो उनकी पुअर शेलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि गैलियम की रेडियस कम हो जाती है। और इसी का इफेक्ट ये होता है कि गैलियम की रेडियस इतनी कम हो जाती है कि एल्युमिनियम की रेडियस ज्यादा हो जाती है, गैलियम की कम होती है, जबकि नंबर ऑफ शेल है गैलियम में ज्यादा होता है। तो इसके यहाँ पर जो है ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन या स्कैंडाइट कॉन्ट्रेक्शन का ये इफेक्ट है कि 3d इलेक्ट्रॉन यानी n-1d इलेक्ट्रॉन की पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और रेडियस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली हमने देखा था कि लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेंथेनम से लेकर के, या मैं कहूंगा सीरियम, सीरियम से लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होती है, तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक जो 14 एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन n-2 शेल जो कि 4f होता है उसके अंदर जाता है, और 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शेडिंग इफेक्ट क्योंकि काफी ज्यादा डिफ्यूज जाता है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है एफ ऑर्बिटल की, तो ऐसे में क्या होगा कि वो प्रॉपर वे में शेडिंग नहीं कर पाता, और उस शेडिंग नहीं होने की वजह से नेट जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। ये ऐसा स्टार्टिंग से ही हमें मिलता है, कहां से, सीरियम से लेकर के अगर मैं देखता हूं यहाँ पर ल्यूटीशियम तक, तो आप देखते हो कि इनकी जो रेडियस होती है वो धीरे 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 डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आपको मैंने बताया कि यहाँ पर n-2 इलेक्ट्रॉन का पुअर शेडिंग इफेक्ट होता है, और इसीलिए क्या होगा रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। और ये इफेक्ट है बाद में जितने भी एलिमेंट्स है, कौन कौन से, जैसे कि मैं कहूंगा 72 एलिमेंट से लेकर के जो कि हैफनियम है उसे लेकर के लेड तक इसका इफेक्ट हमें नजर आता है जो कि 82 तक है। तो बाद के एलिमेंट में भी इस पुअर शेलिंग इफेक्ट की वजह से जो जेड इफेक्टिव बढ़ा उसका इफेक्ट हमें नजर आता है, और साइज क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो एक्टिनियम सीरीज है, एक्टिनियम सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक रहता है, तो ये सा ही जैसा लेंथेनाइट सीरीज के अंदर हमें रेडियस कॉन्ट्रैक्ट मिली थी n-2 f इलेक्ट्रॉन की पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से, सिमिलर वे में n-2 f इलेक्ट्रॉन की पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से जो कि 5f होंगे उनकी पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से रेडियस होती है वो धीरे 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 क्या होती है, कम होने लग जाती है। जैसा लेंथेनॉइड इफेक्ट होता है उसी तरह से हम कहेंगे इसे एक्टिनॉइड इफेक्ट, यहाँ पे भी रेडियस कम हो जाती है क्योंकि पुअर शेडिंग इफेक्ट से जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और क्या होता है साइज में कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, धीरे धीरे साइज क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसे हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ इट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की हम बात करेंगे यहां पर, एक्टिनॉइड नॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ये प्रेजेंट होगा बच्चों एक्टिनियम सीरीज के अंदर, प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट होगा एक्टिनियम सीरीज में, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है लेंथेनाइड सीरीज एंड पोस्ट लेंथेनाइड सीरीज उसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा यहां पर हम लिखेंगे, ड्यू टू पुअर शेडिंग इफेक्ट, पुअर शेडिंग, प्रॉपर वे में शेडिंग नहीं कर पाते, पुअर शेडिंग इफेक्ट इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, कौन से बच्चों, 5f इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ये 5f इलेक्ट्रॉन होंगे, n-2 होंगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा या लास्ट वैलेंशियल होगा वो 7th होगा, तो यहां पर n-2 5f इलेक्ट्रॉन्स हो गया। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस टूवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हेंस रेडियस डिक्रीजेस decreases along the series, this is called
दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर किसमें नजर आता है बच्चों, ये एक्टिनियम सीरीज एंड पोस्ट एक्टिनियम सीरीज, थोरियम से लेकर के अगर हम बात करते हैं यहां पर लॉरेंसियम तक अगर देखते हैं तो इधर से इधर क्या होगा, रेडियस की जनरल स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा, रेडियस, रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी, या कुछ कुछ एक्सेप्शन है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोरियम से लॉरेंसियम तक अगर देखते हैं तो मोटे तौर पर रेडियस डिक्रीज होगी। इसे ही हम क्या करते हैं बच्चों, तो यहां पर लेजेंड्री कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यानी नेट जेल इफेक्टिव बढ़ने की वजह से रेडियस डिक्रीज हो जाती है। चलिए बच्चों, तो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर। फर्स्ट एग्जांपल, O2 नेगेटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव एंड F, इनमें रेडियस का ऑर्डर बताना है। क्या बताना, रेडियस का ऑर्डर, तो क्या होगा ऑर्डर ऑफ रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस। हम देख सकते हैं बच्चों यहां पर जब कभी भी किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन जेड की वैल्यू सेम ही रहती है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं इसके लिए एफ नेगेटिव है उसके लिए यहां पर जेड इफेक्टिव कम होगा। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहां पर, जेड नेगेटिव यहां पर मैं कहूंगा सॉरी एफ नेगेटिव एंड एफ में अगर कंपेरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने होंगे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन और जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 9 रहेगी। तो अब कहोगे जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो किसके लिए ज्यादा होगी, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी एफ की साइज क्या होगी, कम होगी एफ नेगेटिव के कंपेरिजन में। तो अब पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ नेगेटिव की साइज एफ के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन आपको पता है कि ओ नेगेटिव एंड एफ नेगेटिव में अगर देखते हैं तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है। ओके, तो यहां पर अगर हम कंपेरिजन करना चाहें तो लेफ्ट राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, यानी ऑक्सीजन से फ्लोरीन में जेड इफेक्टिव बढ़ता तो रेडियस कम होती है। यानी अगर हमने देखा था, पहले भी देखा था कि ऑक्सीजन की साइज होती है वो ज्यादा होती है एफ से, दोनों ने एक एक की इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, इसका मतलब अगर मैं देखता हूं तो नेट जेड इफेक्टिव किसके लिए ज्यादा होगा, लेफ्ट राइट ज्यादा होगा, क्योंकि लगभग लगभग सिमिलर टाइप का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो मैं कहूंगा ओ नेगेटिव एंड ओ यहां पर एफ नेगेटिव की अगर बात करें तो ऐसे में रेडियस का ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, ओ नेगेटिव का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यहां पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू लेफ्ट राइट जाने में बढ़ती है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसा न्यूट्रल एटम में होता था उसी तरह से यहाँ पर आयनिक स्पीसीज में भी वैसा ही होगा। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इधर से इधर जाने पर बढ़ेगी, तो रेडियस क्या होगी, हम कह सकते हैं रेडियस डिक्रीज होगी। ओके, तो यहां पर ओ नेगेटिव की रेडियस ज्यादा होगी एफ नेगेटिव से, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक भी हमारा क्लियर हो गया। अब O2 नेगेटिव एंड O नेगेटिव में कैसे कंपैरिजन करेंगे, आपने देखा O2 नेगेटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स O नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, जेड की वैल्यू सेम है। अब जेड क्या है, 8 है, दोनों के अंदर जेड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसे में जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसकी रेडियस कम, तो हम यहां पर देखेंगे यहां पर हम एक छोटी सी पॉइंट को देखेंगे, कौन सा पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा होगा डेफिनेटली उसका सिग्मा ज्यादा होगा और उसका जो जेड इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो यार, इस चीज को अगर थोड़ा सा मैं समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि O2 नेगेटिव एंड O नेगेटिव में अगर देखते हैं तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन क्या, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है जबकि यहाँ पर क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है। आप देखते हो जेड की वैल्यू कॉन्स्टेंट है दोनों के अंदर, तो जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये जेड की जो वैल्यू है वो यहां पर भी 8 है यहां पर भी 8 है, दोनों में 8 8 है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा। आप देख सकते हैं कि यहां पर इस वाले केस के अंदर जो है
बच्चों जेल इफेक्टिव कम है, इस वाले केस में जेल इफेक्टिव ज्यादा। तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, रेडियस यहां पर ओ टू नेगेटिव की ज्यादा होगी, और नेगेटिव से रेडियस ऑर्डर ऑर्डर। अब देखते हैं अगर इन तीनों को मिलाते हैं, किसको, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं एंड इसको मिलाते हैं, सभी को मिला देते हैं, तो आप देखते हो कि यहां पर एफ नेगेटिव से ज्यादा बड़ा है और नेगेटिव, यानी इन तीनों में ऑर्डर हो जाएगा, और नेगेटिव फिर एफ नेगेटिव फिर ए एफ, और ओ नेगेटिव से भी ज्यादा बड़ा ओ टू नेगेटिव। तो रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा सभी को मिलाने के बाद में, रेडियस ऑर्डर आप देख सकते हैं ओ टू नेगेटिव का सबसे ज्यादा, फिर ओ नेगेटिव फिर एफ नेगेटिव फिर एफ, इस तरह से हम यहां पर आंसर देंगे। क्या एक और एग्जाम्पल दिया जा सकता है, देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहां पर लेंगे आई नेगेटिव, उसके बाद में हमने लिया पी या एच टू नेगेटिव लेंगे, कौन सा एच टू नेगेटिव, यहां पर सी एल नेगेटिव, उसके बाद में आपका होगा एफ नेगेटिव, ये लेते हैं। चले बच्चों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। हमने देखा कि यहां पर ये है सेकेंड शेल से, इसके अंदर होता है, तो मैं कहूंगा सेकेंड पीरियड होगा, सेकेंड पीरियड होगा, ये दोनों थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, ओके, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कौन सा बच्चों, ये फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है, फिफ्थ पीरियड, यानी फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ शेल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, यस, तो इसका मतलब इसकी रेडियस सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल सबसे कम है, तो इसकी रेडियस सबसे कम होना चाहिए। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, एटेन इलेक्ट्रॉन, एटेन इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस है कि यहां पर जेड की वैल्यू कम है तो इसकी रेडियस ज्यादा, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होगा। यहां पर हम आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं, तो यहां पर एच टू नेगेटिव वाले केस के अंदर जेड इफेक्टिव कम, जबकि सी एल नेगेटिव वाले केस में जेड इफेक्टिव ज्यादा, क्योंकि यहां पर जेड की वैल्यू ज्यादा है, यहां पर जेड की वैल्यू कम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है दोनों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम होती है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर मैं कहूंगा रेडियस अगर ऑर्डर कैलकुलेट करें तो क्या हो रही है, रेडियस ऑर्डर आप देख सकते हो आई नेगेटिव जो कि सबसे ज्यादा होगा, जो कि फिफ्थ शेल का है, इसके अंदर ये दोनों है थर्ड शेल के, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो एच टू नेगेटिव का ज्यादा होगा सी एल नेगेटिव से, और उसके बाद में एफ नेगेटिव, इस तरह से उनके आंसर दे सकते हैं। चले बच्चों आगे हम देखते हैं यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में रेडियस का ऑर्डर क्या होगा इसको समझते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे लास्ट में हम एफ ब्लॉक एलिमेंट का। डी ब्लॉक थ्री डी सीरीज की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जांपल्स आते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो हम इन्हें लेंगे। तो क्या होता है बच्चों, यहां देखिए इस वाले केस में, यस, स्कैंडियम थ्री डी सीरीज की बात करेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, उसके बाद में मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, आप देख सकते हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम तक, तो यहां से तो रेडियस क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है बच्चों। मैंगनीज है, मैंगनीज ये जो है इसकी रेडियस काफी ज्यादा होती है, इसका कोई रीजन नहीं है प्रॉपर में, इन दोनों से ही ज्यादा होती है। फिर हम देखते हैं यहां पर रेडियस डिक्रीज होने का रीजन क्या, मैं बता देता हूं, जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, यहां पर इंक्रीज होगा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा थ्री डी इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे सिचुएशन में जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल तो कॉन्स्टेंट है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। फिर हम देखते हैं यहां से यहां पर इनकी रेडियस लगभग सेम होती है, क्यों होती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव लगभग कॉन्स्टेंट होता है,
जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे उतने ही प्रोटॉन एंटर करेंगे और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। लेकिन जैसे ही कॉपर की बात करते हैं तो 3d10 होता है, और 3d10 होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम से बढ़ जाते हैं यहां पर, और ऐसे में उनमें रिपल्सन होने की वजह से जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। तो मैं कहूंगा इधर से इधर क्या होगा, रेट यहां पर जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो यहां पर जो रेडियस जेड इफेक्टिव कॉन्स्टेंट था, तो रेडियस भी लगभग कॉन्स्टेंट होगी, कॉन्स्टेंट। और हम देखते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं कि यहां पर कॉपर एंड जिंक के अंदर रेडियस की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, बढ़ती है, मतलब जिंक के रेडियस कॉपर से ज्यादा होती है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, पहला केस में रेडियस ऑफ कॉपर इज लेस देन रेडियस ऑफ जिंक, पहला तो ये हो गया। क्यों, उसका रीजन क्या, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, यानी कॉपर से जिंक में जाने में जेड इफेक्टिव कम होता है, इसलिए डीएनए इलेक्ट्रॉनों के उनमें रिपल्सन ज्यादा हो गया, ज्यादा स्प्रिंग कर पाते हैं, स्प्रिंग कर पाते हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहला केस तो ये हो गया। नाउ सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड कौन सा केस, कौन सा होगा, आयरन कॉबाल्ट एंड निकल की रेडियस लगभग बराबर होगी। यहां पर मैंगनीज है, मैंगनीज की जो रेडियस है वो क्रोमियम एंड आयरन दोनों से ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लर्न करना पड़ेगा ये, इसका कोई लॉजिक नहीं है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर स्टेबल हाफ ऑर्बिटल होता है और दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, रेडियस बढ़ जाती है। स्टेबल हाफ कॉन्फ़िगरेशन, d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, d5 4h2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं कहूंगा यहां पर जो रेडियस कॉपर एंड मैंगनीज, सॉरी क्रोमियम मैंगनीज एंड आयरन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैंगनीज की रेडियस है वो आयरन एंड क्रोमियम से ज्यादा होती है। क्यों होता है, मैं ऐसे कह सकता हूं, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन, कौन सा होगा, d5 कॉन्फिग्रेशन होता है, इसलिए ऐसा होता है। अब आप कहोगे तो क्रोमियम में तो d5 होता है लेकिन यहाँ पर 4s1 ही रह जाता है, यहाँ पर 4s2 रहता है, तो एक तो फुल फिल्ड हो गया, एक हाफ फिल्ड हो गया। तो ये दो चीजें हमें इसमें नजर आती है। तो रेडियस के अगर ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ द रेडियस, ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं बच्चों, क्या होगा, स्कैंडियम की रेडियस ज्यादा होगी, फिर क्या होगा, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम। लेकिन मैंगनीज की रेडियस ज्यादा हो जाएगी आयरन से, आयरन की रेडियस नियरली इक्वल होती है कोबाल्ट के और नियरली इक्वल होगी निकल के, लेकिन यहाँ पर अगेन फिर कॉपर की रेडियस बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा हो जाती है जिंक की रेडियस। अगर आयन की भी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आयन वाले केस में थोड़ा उल्टा होगा, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कॉपर +2 की रेडियस ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉपर एंड जिंक के अंदर हम देख सकते हैं कि जिंक की रेडियस ज्यादा होगी, बट अगर आयन की बात करते हैं आयन में, तो कॉपर +2 एंड जिंक +2 में आकर देखते हैं तो कॉपर +2 की रेडियस क्या होगी, जिंक +2 से ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जैसे निकलते हैं इसका d9 कॉन्फिगरेशन हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो शेडिंग कम हो जाएगी, d9 कॉन्फिगरेशन हो गया इसका, और इसका d10 कॉन्फिगरेशन हो गया, तो एक तो स्टेबल है और साथ साथ में क्या होगा बच्चों, यहां पर जेड इफेक्टिव इसके लिए बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर जेड की वैल्यू भी ज्यादा है, क्या बच्चों, जेड की वैल्यू ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप कहोगे यहां देखिए d+1 की बात कर रहे हैं, यहां पर d+1 कॉपर +1 एंड जिंक +2, हाँ, तो हम कहेंगे यहाँ पर d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पर d10, और इसका भी क्या होगा बच्चों, d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और लेकिन यहाँ पर जेड की वैल्यू कम है तो जेड इफेक्टिव कम होगा, इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेड इफेक्टिव मोर होगा। क्या होगा, मोर किसके लिए, यहाँ पर हम ले सकते हैं जिंक के लिए, और इसीलिए यहाँ पर रेडियस कम हो जाएगी, यानी कॉपर +1 के जो रेडियस है वो जिंक +2 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर +2 वाला केस देखेंगे तो अगेन सेम होगा, यहाँ पर 4 है कॉपर +2 एंड जिंक +2 के अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर देखें नेक्स्ट, तो ऐसे में जिंक +2 की रेडियस ज्यादा होगी कॉपर +2 से,
उसका रेंज क्या, वापस से हम देखेंगे यहाँ पर D9 कॉन्फ़िगरेशन हो गया और यहाँ पर D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कौन सा D9 और यहाँ पर D10 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि यहां पर जेड इफेक्टिव, क्योंकि इस वाले केस में नो ही इलेक्ट्रॉन रहेगी, नो डाउट इसका जेड भी कम है लेकिन नो ही इलेक्ट्रॉन रहेगी, तो ऐसे में क्या होगा जेड इफेक्टिव मोर होता है, इसका जेड इफेक्टिव इसी का मोर रहेगा जैसा कि पहले था, ठीक है ना बच्चों, ये पहले वाले केस में ही रहेगा। इस तरह से इसके बेसिस पर क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने देखे। नाउ नेक्स्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। छोटे छोटे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ 4D सीरीज इज नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ 5D सीरीज, ऐसा क्यों होता है, व्हाई, उसका रीजन क्या है कि 5D सीरीज के अंदर जो है वो लैंथेनॉइड सीरीज आ जाती है और इसीलिए ये क्या होगा यहां पर रेडियस की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाती है, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज आने के वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीरीज में क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला था कि पोस्ट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लैंथेनॉइड सीरीज का यानी 4F इलेक्ट्रॉन का इतनी पुअर शेडिंग इफेक्ट होती है कि उसका जो जेड इफेक्ट जो बढ़ता है उसका इफेक्ट बाद के एलिमेंट तक नजर आता है, तो यहां पर इसलिए ऐसा हो। तो मैं क्वेश्चन है ये था, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे ड्यू टू पुअर शेडिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शेडिंग इफेक्ट, पुअर शेडिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कर सकते हैं या ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप ऐसा भी पढ़ोगे, दोनों से आंसर आता है, दोनों ही स्टेटमेंट आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है। चलो बच्चों ये तो हो गया 4D एंड 5D के बीच में जो होता है संबंध। नाउ नेक्स्ट है, मैं यहां पर ले रहा हूं कुछ कुछ एग्जांपल, जैसे लैंथेनम है या मैगनम, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लैंथेनम और एक्टिनियम, हम देखते हैं यहां पर ये क्या होगा 3D सीरीज का मेंबर है, 4D एंड 6D सीरीज, इधर से इधर जाने पर क्या होगी रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी, रेडियस क्या होगा बच्चों इंक्रीज होगा, क्यों होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेयर। आप देखते हो कि यहां पर लैंथेनम में 4F इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, लैंथेनम में नहीं जाते, सीरियम से जाते हैं यानी 58 से जाते हैं, ये 57 है, ठीक है बच्चों, इसलिए इसमें लैंथेनॉइड सीरीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे हैं सीरियम वाले केस के अंदर जा रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं बच्चों, ये 6D सीरीज का मेंबर है। ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक कैडमियम एंड मर्क्यूरी, यहां पर भी जो है लैंथेनॉइड सीरीज का या लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का बहुत कम इफेक्ट पड़ पाता है, तो यहां पर हमें रिजल्टेंट कोई जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो पाता, तो मैगमा जिंक कैडमियम एंड मर्करी में रेडियस का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, रेडियस ऑर्डर जिंक का सबसे कम होगा, फिर कैडमियम होगा, फिर मर्करी होगा, क्यों, क्योंकि तो बच्चों ये 3D सीरीज का मेंबर है, 4D है, ये 5D सीरीज का मेंबर, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अदर एलिमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने बोला कि जनरल स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिया था 4D एंड 5D, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है वो हम देख रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये 3D सीरीज का मेंबर है
ये 4d, कौन सा 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d। तो ऐसे में हमें जो ऑर्डर मिलता है बिल्कुल एज इट इज ही मिलता है, जैसा कि हमने पढ़ा था क्या कि 4d सीरीज एंड 5d सीरीज की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, यहां पर मैं कहूंगा कॉपर की रेडियस कम होगी लेकिन सिल्वर और इसकी जो गोल्ड की रेडियस आपस में इक्वल हो जाती है। क्यों हो जाती है बच्चों? आप कहोगे ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन LC, यहां पर मैंने लिखा। क्या ऐसा और भी होता है? यस, हम देख सकते हैं एग्जांपल कौन सा, यहां पर फोर्थ डी ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं, टाइटेनियम, ठीक है, हैफनियम, एक मिनट, जर्कोनियम एंड हैफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम, हैफनियम ये वाले होंगे। आपने देखा यहाँ पे 3d सीरीज का है, ये 4d एंड 5d, तो हैफनियम में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं भैया, कौन से f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए क्या होगा या और ये 72 एटॉमिक नंबर होता है, यानी इससे पहले जो है लैंथेनॉइड सीरीज आ चुकी होती है, इसलिए यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जर्कोनियम एंड हैफनियम की रेडियस बराबर होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम का लेस होगा इससे जर्कोनियम से, लेकिन जर्कोनियम एंड हैफनियम है वो लगभग बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों? लगभग बराबर होंगे, यानी इनके जो रेडियस का ऑर्डर दिया होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ये क्या है, रेडियस ऑर्डर, जो भी मैं बता रहा हूं आपको रेडियस का ऑर्डर बता रहा हूं बच्चों। इस तरह से यहां पर हम देखते हैं कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, साइज कम हो जाती है और टू एटम की साइज क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होने लगती है। थैंक यू।